हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रोमांस विद मार्केट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक स्किनर की, जो कि है हमारे इंडियन स्टॉक्स के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। और मैक्सिमम मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है स्कैनएक्स, जो कि बिल्कुल ही फ्री यूज होगा। किसके लिए आपको नीचे दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए आप, फुल एक्सेस फॉर धन यूजर्स, इसका फ्री में फुल एक्सेस है धन यूजर्स के लिए। तो अगर अभी तक आपने धन में अकाउंट नहीं बनाया है तो आप जाइए मेरे पिंड कमेंट में, वहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कहाँ पे? धन पे। आप डिस्क्रिप्शन से भी इसकी लिंक ले सकते हैं और मेरे रेफरल से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे रेफरल से अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको कई सारे इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के स्क्रीनर्स फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, मेरे रेफरल लिंक से आपको अपना धन में अकाउंट ओपन करना है। ये जीरो प्लेटफॉर्म कॉस्ट है, इस पे देखिए, ये जो स्कैन एक्सेस के जीरो प्लेटफॉर्म कॉस्ट है। तो फटाफट आप लोग धन में अकाउंट खोल लीजिए, वो भी उसका कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है और कोई भी ओपनिंग अमाउंट नहीं है। तो आप अकाउंट खोल लीजिए, रेफरल से खोलेंगे तो आपको स्किनर्स भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी धन अकाउंट है तो उसके लिए हम आगे इस वीडियो में समझेंगे कि हम अपना स्किनर कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि मैं स्क्रीन पे लिखा है, ओनली इंडियन स्टॉक्स के लिए है। तो हम अपने एनएससी के स्टॉक्स, निफ्टी 50 वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए, जब हमें ट्रेड लेना होता है, आज हम इंट्राडे की बात करेंगे, तो जब हमें ट्रेड लेना होता है इंट्राडे में, तो सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ओवरऑल मार्केट का व्यू अपसाइड है या डाउनसाइड है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ इस यहाँ पे दे रखी है, वो है हमारा इनसाइट्स। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हम इसमें बात करेंगे होम, चार पाँच पॉइंट यहाँ पे देखिए, जो अपने इसमें होम, लाइव, क्रिएट, स्किनर्स और इनसाइट, ये चार पाँच पॉइंट दिए हैं इस साइड। इधर वॉच लिस्ट है आपकी जो धन में बनाई होगी, पोर्टफोलियो, पोजिशंस और ऑर्डर्स जो आपने धन में बनाए होंगे उनका यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो अभी आप देख लीजिए, मैंने इनसाइट खोला तो अभी निफ्टी 50 का हीट मैप आ गया। अगर आप निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग जो कुछ भी कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी ये काम आएगा आपको, तो इस हीट मैप को आप यूज़ कैसे करेंगे। अगर हीट मैप में देखो तो अभी आपको हीट मैप में मैक्सिमम आपको कलर कौन सा दिख रहा है, हीट मैप दिखा रहा है कि मैक्सिमम कलर रेड है। और मार्केट कैसा था उस दिन, मार्केट हमारा लगभग 1% निफ्टी 50 डाउन था। जब हर जगह में रेड रेड दिख रहा है तो हमें उस दिन सेल साइड में ट्रेड ज़्यादा लेना चाहिए कि हमें मार्केट का सपोर्ट मिलेगा। पूरा जो मार्केट में जितने भी लोग हैं नेगेटिव माइंडसेट से बैठे हैं, मार्केट को गिराने के माइंडसेट से बैठे हैं, कुछ ही स्टॉक हैं जो मार्केट में ऊपर उठे हैं। और अगर आप इसमें डीपली देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं, यहाँ मैंने मार्क किया है 3% से -3% तक का रेंज दिया गया है। इसको यूज़ कैसे करना है, अगर आपको देखना है नेगेटिव में कितने हैं तो मैं इनको कर देता हूँ गायब, 0% से -3%। आप देख सकते कितने सारे स्टॉक्स 0% से -3% है, मतलब कि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जो निफ्टी 50 कंपनियां हैं वहाँ पे नेगेटिव व्यू के साथ बैठे हैं। वहीं पे मैं अगर इसके अपोजिट कर देता हूँ तो 0% से 3% के बीच में बहुत ही कम कंपनियां हैं। आप यहाँ रिटर्न देख सकते हैं, बहुत ही छोटा छोटा ऊपर सा रिटर्न दे रही हैं आप साइड में, जो कि हमें दिखा रहा है कि आज मार्केट में हमें बुलिश साइड नहीं बैठना है। अगर बुलिश साइड बैठेंगे तो हमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये चीज़ आपको निफ्टी 50 हीट मैप से मिल जाएगा। अगर आप इसी में आप, अगर आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे जाइए आप और इसमें देखिए आप निफ्टी बैंक सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता है जैसे निफ्टी बैंक में 12 स्टॉक हैं। अभी मैं सब सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे अभी कुछ नहीं सिलेक्ट है। आपको देखना है माइनस में कितने हैं। मैं यहाँ से 0 से -3 तक गया तो जो मेन बैंक हमारे, आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी को HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक, ये कुछ बैंक के सबसे ज़्यादा हैंडल करती हैं। सबसे ज़्यादा उसमें किसका वेटेज है, HDFC बैंक का। और HDFC बैंक की जब -1% है और ICICI -1% है तो उस दिन बैंक निफ्टी का व्यू हमारा बीआरसी रहेगा। अगर हम ऊपर की साइड देखेंगे तो हम ये सारा हटा देते हैं, ओनली जो जिसमें मूवमेंट नहीं हुआ वो ये बैंक्स हैं। 3% तक के लिए PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा, जिनका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है कि अकेले बैंक निफ्टी को मूव कर पाएँ। तो यहाँ से हमें एक ओवरऑल दिन का व्यू पता चल जाएगा कि हाँ अभी लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। उसके साथ साथ अब हमें जाना है लाइव में। अभी ये लाइव आपको नहीं दिख रहा है, इसके बाद हमें जाना है लाइव में। जब आप लाइव में क्लिक करते हैं तो आपको लाइव मार्केट उस टाइम दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे नहीं चल रहा है क्योंकि अब मैं यहाँ संडे के दिन वीडियो बना रहा हूँ, ये लिख के आ रहा है लाइव स्क्रीन अवेलेबल इन एक्सचेंज ट्रेडिंग आवर्स, मार्केट आर क्लोज, सिट बैक एंड रिलैक्स। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको करना क्या रहेगा, वो चीज़ करके आप लाइव मार्केट में भी इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, एक बुलिश सिग्नल के लिए यहाँ पे स्कैनर है, अगर वहाँ पे आपको ग्रीन कलर ज़्यादा दिख रहा है हीट मैप में तो आप बुलिश के लिए जा सकते हैं। एक बीरिस के लिए है, ये यहाँ पे 52 वीक हाई और 52 वीक लो वाले स्टॉक्स फिल्टर के लिए है, और राइज एंड फॉल वॉल्यूम के लिए यहाँ फिल्टर है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे और यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आपको कौन से सेक्टर के या कौन से स्टॉक्स चाहिए। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे देखिए F&O स्टॉक्स, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक, निफ्टी 100 के 100 स्टॉक्स और निफ्टी 200, निफ्टी 500 तक का यहाँ पे दिया है। अगर आप
एफएनडो स्टॉक्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद जब भी यहाँ स्क्रीन का रिजल्ट आएगा इस एरिया में, वहाँ पे आपको एफएनडो स्टॉक्स की लिस्ट आएगी सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँगा भी, यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा। अगर आप इंट्राडे में स्टॉक्स में बुलिश सिग्नल ढूंढ रहे हैं तो आपको यहाँ पे जाके अगर आपकी कोई पर्सनल स्ट्रेटजी है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना R1 और R2 और बस इसको बंद कर देना। जितने भी स्टॉक्स में रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 ब्रेक होगा उनमें आप दोबारा रीटेस्टिंग पर एंट्री ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे आपको बेयरिश के लिए बता रहा हूँ, S1 और S2। जिस किसी भी स्टॉक में S1 और S2 ब्रेकआउट होगा, वहाँ पे आप मतलब ब्रेक डाउन होगा, वहाँ पे S1 या S2 ब्रीच होता है सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2, वहाँ पे अगर वो सपोर्ट 1 को या सपोर्ट 2 को दोबारा रीटेस्ट करता है, मैं बता दूँ, जैसे मान लो ये हमारा पीवट है, ये S1 है, ये S2 है, ओके, ये पीवट है और यहाँ पे हमारा R1 है, हमारा R2 है, कोई स्टॉक यहाँ से चला मॉर्निंग खुला और यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये R1 ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे अगेन जब रीटेस्ट होता है इस पॉइंट पे आपको एंट्री लेना है। और यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस भी रहेगा, आपका रिस्क रिवार्ड बहुत ही अच्छा रहेगा, टारगेट आपका R2 तक हो जाएगा, ओके। ये था हमारा R1 ब्रीच का। R2 अगर सेम अगर ज़्यादा ऊपर खुला है, R2 भी ब्रीच कर रहा है, तो सेम हमें रीटेस्ट पे ही एंट्री लेनी है। सेम पैटर्न हमारा S1 के लिए है, यहाँ पे कोई फॉल आ रहा है, S1 ब्रीच हो गया, तो ब्रीच होने के पे नहीं लेना है आपको, दोबारा रीटेस्ट होने दो, यहाँ कन्फर्म होने दो कि इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, वापस नीचे नहीं जा रहा है, जब इस दोबारा मोमेंटम हो तब आपको एंट्री लेनी है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के S2 तक का टारगेट लेना है। ये बहुत ही सिंपल और शानदार स्ट्रेटजी है जो लोग फॉलो कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, कुछ लोग डेली स्ट्रेटजी चेंज करके बहुत सारा पैसा लॉस कर रहे हैं। तो ये इंट्राडे के लिए एक बेसिक स्ट्रेटजी होगी। अगेन दूसरी जो स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, नियरिंग हाई। कुछ लोगों क्या है, ब्रेकआउट स्टॉक चाहिए होते हैं, ब्रेकआउट मतलब जो 52 वीक हाई ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करेंगे 1% नियर 52 वीक हाई, तो एज्यूम ये 52 वीक हाई किसी स्टॉक का है, यहाँ पर 52 वीक हाई, तो आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो 52 वीक हाई यहाँ बनाया था किसी टाइम, फिर यहाँ नीचे चलते 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 ऐसे ऐसे करके यहाँ पर लोग उसके 1% डाउन पर यहाँ पर ट्रेड कर रहे होंगे, तो वो स्टॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इन स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करना है, उस इन स्टॉक में मेरा जो सजेशन आपके लिए, वहाँ पे एक वॉल्यूम भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो चार्ट खोल के जो स्टॉक्स में आ रहे हैं उन पे वॉल्यूम पे आप नज़र डालिए। अगर वॉल्यूम्स उसके लगातार बढ़ रहे हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट जो कैंडल हो रही है अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रही है, तो आप उसको रीटेस्ट पे अगेन इस चीज़ पे रीटेस्ट होना चाहिए, अगेन रीटेस्ट पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। जो यहाँ पे स्विंग बना होगा उस स्विंग के नीचे आपका ऐसा रहेगा, ओके। इसको आप एज ए स्विंग ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं, हाई वाला सेम पैटर्न लो के लिए, लेकिन मैं लो के लिए कम सजेस्ट करूंगा। हाई के जब ब्रेकआउट आते हैं तो अच्छे आते हैं, लो में कभी कभी सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट से मार्केट रिवर्सल हो जाता है, तो इसको आप एज ए रिवर्सल यूज कर सकते हैं। मेरा जो सजेशन है, यहाँ पे जाएंगे 1% नियर 52 वीक लो, तो जैसे कि यहाँ पे लो है, ये कोई स्टॉक यहाँ पे पहले यहाँ तक गिरा था, फिर ऊपर चला गया था, फिर गिरते 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 आ रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 1% पर, तो यहाँ पे आपको तैयार रहना है कि जैसे ही यहाँ से टच करके वापस का बनाता है तो इस एरिया को जब ब्रेक करेगा, यहाँ पे स्टे करेगा, स्टे करके ब्रेक करता है, तब आपको एंट्री लेनी है और अगेन लो के नीचे यहाँ पे ऐसे लगा लेना, तो ये रिवर्सल स्टॉक आपको मिल जाएगा। स्पेशली क्या मैंने आपको मेंशन किया, आपको वॉल्यूम पर ध्यान देना है, ओके। और लास्ट इधर हम देख लेते हैं राइज एंड फॉल में, 1% फॉल फ्रॉम हाई, जो फ्लैग पैटर्न में विश्वास करते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केट इतना गया था उसके 1% गिर गया, फिर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। अनयूजुअल वॉल्यूम देखना है किस स्टॉक में आ रहा है, वो भी आप यहाँ पर इस सिग्नल में देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे स्क्रीनर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर रेडीमेड स्क्रीनर्स भी मिल जाएंगे, तो मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे एज्यूम कोई भी स्टॉक हम खोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खोलते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको इसका मार्केट का बुक वैल्यू अगर फंडामेंटली कोई देखना चाहता है वो भी यहाँ पे, ROE अच्छा है इसका, ROC अच्छा है, EPS अच्छा है, इंडस्ट्री कौन सी है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स क्या चल रहे हैं, इसका चार्ट क्या चल रहा है, लाइव चार्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जाओगे, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट देखने हैं आपको, क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें बैलेंस शीट पढ़नी आती है वो भी देख सकते हैं, जो अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग, आप शेयर होल्डिंग देखेंगे लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे अगर आपको और भी अगर आपको खुद के कुछ फिल्टर्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्क्रीन अप बनवाना है इस पे, स्कैन एक्स पे आपके कुछ फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स लेबल हैं और आप इस पे नहीं बना पा रहे हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की मैं आपको लिंक दे रहा हूँ अपने, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए कि आपको क्या क्या कंडीशंस चाहिए आपके स्कैनर में, मैं उस स्कैनर को आपको बना के प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और जो लोग मेरे रेफरल से अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उनको तो मैं ऑलरेडी कुछ बने हुए स्कैनर्स प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके भी अपना स्कैनर बनवा सकते हैं। एक और कोई स्टॉक हम देख लेते हैं, बैंकिंग यानी टाटा मोटर्स देख लेते हैं। टाटा मोटर्स को अगर हम देखेंगे
तो मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है, बाबा ने भी खाई लो दे दिया, सब यहाँ पे देख सकते, आरओई बहुत ही अच्छा है, आरओसी बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटली आपको पता ही है अच्छी कंपनी है ये, टाटा ग्रुप की कंपनी है ये। ऑटोमेटिक स्कैनर्स यहाँ पे आपको दिखा देता है, 1 वीक लो ब्रेक हुआ, 2 वीक लो ब्रेक हुआ, 4 वीक लो ब्रेक हुआ, ये सब आपको दिखा देगा, रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, नेट इनकम ग्रोथ क्या है, फंडामेंटली के लिए आरओई देख लीजिए अभी तक का, ये 1 ईयर का है, ओके, आरओसी पूरी कंपनी का ग्रोथ रेट है ये, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर्स के लिए। फाइनेंशियल रिजल्ट आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो क्या हो रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, यहाँ पे देख लीजिए प्रमोटर के पास कितना है, फायदे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ओके, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कॉर्पोरेट एक्शन क्या चल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बीआरएस के 3 इंडिकेटर हैं, टेक्निकल में न्यूट्रल के 5 है, बुलिस के 1 है, मतलब अभी इसमें हमें बुलिस साइड में नहीं जाना है। बाकी आप यहाँ से बाई सेल भी यहीं से ही, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए, बस आपको अगर फंडामेंटल्स अच्छे लगे, इंस्टार्ट बाई, आप ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग में जा सकते हैं, एमटीएफ में जा सकते हैं, आपको जहाँ भी जाना है वहाँ से आप तुरंत ट्रेड ले सकते हैं। और भी बहुत कुछ इसमें है जो मैं आपको सिखाऊंगा, आप यहाँ देखिए रेडीमेड स्कीनर भी हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, स्क्रीनर से क्लिक करता हूँ, आप देखो फंडामेंटल बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट वाले हैं, टाइटन के हैं, इंट्राडे स्क्रीनर्स में देखें, इंट्राडे राइज एंड फॉल, सुपर ट्रेंड, ओपन हाई स्टॉक, प्राइस वॉल्यूम के अगर आप देखेंगे तो 1 यहाँ पे 1 वीक हाई ब्रेकआउट से मैं अगर कलेक्ट करूँगा, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे रेडीमेड स्क्रीनर हैं, आप उनको खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, वहाँ से मैं आपको कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली स्कैनएक्स के लिए था, कि स्कैनएक्स को यूज़ कैसे करना है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, और ये धन वालों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो अकाउंट ओपन कर रहे हैं, रेफरल लिंक मैंने आपको बता दी है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू।